हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका सबका भाई दिल से एक और नई वीडियो में। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ ITO और अभी मेरे साथ है धीरज कुमार, इसका नाम टिंकू भी है वैसे। बैग वो टांग क्या रहा है, आज दिखाते हैं आपको कैसा रहेगा हमारा दिन। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं डाला था तो सोचा डालू ब्लॉग। ये धीरज है, कैसे भाई? बढ़िया है। बैग वो टांग रहा है छोरा के, तीन टंच हो रहा है। आज इसकी पासपोर्ट की तारीख है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अभी मेट्रो पार्किंग में हैं हम और अब यहाँ चल रहे हैं दोस्तों आगे, दिखाते हैं आपको हमारा दिन। दोस्तों मेट्रो आने वाली है और अभी कर रहे हैं हम इंतज़ार। टिंकू लगा फ़ोन में, सॉन्ग सुन रहा है। कौन सा सॉन्ग सुन रहा है भाई? परेशानी। यहाँ का नज़ारा कुछ इसी प्रकार है, चलते हैं अभी आगे। तो मेट्रो में पहुंचने वाले हैं अभी, ITO आने वाला है। सुथरा हो गया, ये बोल रहा है मेरा फोटो बहुत अच्छा आ रहा है वीडियो में, स्मार्ट लटकाई क्या वेटिंग और लाखों में एक है। अभी दोस्तों हम ITO उतर चुके हैं, अभी जा रहे हैं, एग्जिट हो रहा है अभी यहाँ पे इसके पासपोर्ट ऑफिस में। इसने अपने सारे डॉक्यूमेंट ले चुके आए। ये बाहर का नज़ारा देखिए मेट्रो का दोस्तों, यहाँ पे चाय पी रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी। और भाई भी खड़ा खड़ा सूख गया है वेट करते करते। हाँ, अभी एंट्री होने वाली है। अभी दोस्तों मैं दिखाता आपको पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है दिल्ली में। दोस्तों ये देखिए ITO मेट्रो स्टेशन, यहीं पे है डॉल्स म्यूजियम, इसमें भी आपको लेकर चलेंगे। और जस्ट इसके साइड में ही आपका है हेराल्ड हाउस, जो कि पासपोर्ट ऑफिस है दिल्ली का। ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं डॉल म्यूजियम। अभी दोस्तों यहाँ पे ले चुका हूँ मैं टिकट, अभी करते हैं एंट्री अंदर। दोस्तों टिकट का प्राइस यहाँ पर है 30 रुपीज़ ओनली। आप यहाँ पे आ सकते हैं और डॉल म्यूजियम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दुनिया की सभी तरह की डॉल दिखाई देगी आपको। दोस्तों ये है शंकर अंतर्राष्ट्रीय डॉल म्यूजियम, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर दुनिया के हर हिस्से की डॉल दिखाई देगी। पहले हिस्से में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों की डॉल मौजूद है और दूसरे मध्य पूर्व में अफ्रीका, एशियाई देशों की गुड़िया रखी गई है। इन गुड़ियों की सजावट दोस्तों देखते ही बनती है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है डॉल। दोस्तों डॉल म्यूजियम का बहुत ही रोचक इतिहास रहा है। देश के हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, जब वो विदेश दौरे पर जाते थे अक्सर उनके साथ उनके सदस्य के रूप में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट KP Lay भी साथ में जाते थे। वो जिस देश में भी जाते थे वहाँ की डॉल लेकर आते थे। तो इस तरह से कुछ समय बाद 500 तरह की डॉल इकट्ठा की गई और शंकर पिल्ले चाहते थे कि इन गुड़ियों को देश भर के बच्चे देखने आए। तो इसी तरह उन्होंने गुड़िया इकट्ठा किया और यहाँ पर डॉल म्यूजियम बनाया। दोस्तों शंकर डॉल म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, सोमवार को यह बंद रहता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश, जो भी कोई सरकारी छुट्टी होती है उस टाइम पर भी ये बंद ही रहता है और शाम 4 बजे तक इसका अंतिम परिवेश होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको हर देश विदेश की गुड़िया देखने मिल जाएगी, बहुत पुरानी से पुरानी गुड़िया देखने मिल जाएगी यहाँ पर आपको। आप दोस्तों यहाँ पर डॉल म्यूजियम बच्चों के साथ देखने आ सकते हैं और यहाँ पर कैमरा वीडियो अलाउड नहीं है बनाने के लिए, फिर भी मैंने आपको थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।
अभी दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ। मैंने आपको डोल म्यूजियम दिखाने का प्रयास किया, आप यहाँ पर आ सकते हैं और पुरानी से पुरानी दुनिया की हर एक डोल देख सकते हैं। दोस्तों ये है डोल म्यूजियम के बाहर का नज़ारा, देखिए यहीं से आप एंट्री करते हैं और इसके जस्ट साइड में ही एग्जिट गेट है और यहाँ पे बच्चों के आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फेस बना रखे है, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों मैं आ रहा हूँ म्यूजियम से बाहर, अभी मैंने आपको म्यूजियम दिखाने की कोशिश की। अभी दोस्तों जा रहे घर पर, इसने बहुत टाइम लगा दिया। इतना टाइम क्यों लगा दिया भैया? मजे मार रहे थे। ये भाई अंदर बैठा रहा, दो घंटे लगा दिए इसने, काफ़ी टाइम हो चुका। चलते घर की तरफ, अभी मेट्रो में जाने वाले है। अभी दोस्तों यहाँ पे पिज्जा आने वाला है, पिज्जा कर रहे हैं वेट। काफ़ी खुश है, थिंक वाज खुश तो हमेशा रहता है। हमारा आ चुका है पिज्जा भी, पिज्जा खा रहे हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको। लार्ज पिज्जा लिया, देखिए खा लेगा इन्हें। और टिंकू सारा पिज्जा खाएगा, खा लेगा भाई टिंकू? भाई लार्ज पिज्जा खाने वाले हैं आज, अब पूरा फुल साइज लिया है, अभी खाते हैं यहाँ से निकलते हैं। अभी दोस्तों सारा दिन से घूम घूम के थक चुके हैं, अभी जा रहे घर की ओर। पिज्ज़ा खाया है और इसका काम भी आज हो चुका है, हो गया टिंकू का तुम्हारा काम? इस भाई का काम भी हो गया है और मेरा भी काम था वो भी हो चुका है। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।